खबर है मिर्जापुर से। मॉडल गांव बगही का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मॉडल गांव बनना शुरू हो गया। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील क्षेत्र के नारायणपुर ब्लॉक के बगही गांव एक ऐसा गांव है जिसने मॉडल गांव के 23 बिंदुओं को फॉलो किया है। बता दें, इस गांव को बनाने में गांव में रहने वाले नागरिकों के आपसी सहयोग से इसे मॉडल गांव बनाया गया है और जो लोग बाहर रह रहे हैं वह भी इस गांव को मॉडल गांव बनने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। यहां लाइब्रेरी खोलने के लिए गांव के बाहर कमा रहे युवाओं ने पूर्ण सहयोग किया है। ग्राम प्रधान ऋषि पटेल ने बताया कि गांव के सहयोग से बच्चों को खेलने कूदने की पूरी सुविधा दी जा रही है। गांव के युवाओं ने पूरा खेल मैदान अपने श्रम से बनाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हीरा लाल आईएस ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सपना है कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक पूरा देश विकसित नहीं हो पाएगा। गांव की ताकत इकट्ठा करके स्थापना दिवस के रूप में प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दिखाने के लिए स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बगही के समूह की महिलाओं के द्वारा कढ़ाई बुनाई से लेकर फल सब्जी एवं किसानों से जुड़ी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। कार्यक्रम में दौड़ प्रतियोगिता और खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आए अतिथियों का ग्राम प्रधान रेशु पांडे ने आभार व्यक्त करते हुए पुष्प गुच्छ के साथ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान ग्राम प्रधान पति अनुराग सिंह पटेल का रहा, साथ ही गांव के लोगों ने भी साथ दिया। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट। ये गांव आज मॉडल गांव का अपना स्थापना दिवस मना रहा है, क्या क्या आपने किया है इसमें और किस तरीके का सहयोग मिला है इसके बारे में बताते हैं। पहले तो ये मॉडल गांव के लिए हमारे गांव वाले ने बहुत ही सहयोग किया है, हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए इसमें ये नहीं है। मॉडल गांव जैसे कि मुख्यमंत्री जी जो ये मिशन बनाए हुए हैं शक्ति नारी शक्ति, नारी का ये सुधार, नारी का संपत्ति जो है, इसके लिए हमारे गाँव में बहुत ही महिलाएं जो घर के बाहर नहीं निकलती थी वो आज मॉडल गांव के हिसाब से वो बहुत आज खुल के आई हैं बाहर। इस ये जैसे कि खास से कला से भी कुछ अपना ये जो है बनाई हुई हैं, जहां यहां पे मार्केट में जो बिक्री नहीं होता है अब जैसे यहां पे बिक्री अब ये दिखाया गया है, अब जाके दिखाया जाएगा यहां पे कम से कम इसका, अब जाके खुल के बाहर मार्केटिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा जो हस्तकला से बनाया जाता है। मॉडल गांव में आप आए हुए हैं, क्या इसका थीम है और क्या सोच के आप लोगों ने इसको विकसित किया इसके बारे में बताएं। देखिए, जो महात्मा गांधी जी का सपना है ग्राम स्वराज का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है पूरा स्कीम, तो वो जो उन्होंने थ्योरी दिया है कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे क्योंकि भारत गाँव में बसता है। तो देखिए, अब पूरे गाँव के लोग, सभी बच्चे महिलाएँ, देखिए क्या जोश है, पूरे गांव की ऊर्जा को हम लोगों ने इकट्ठा किया है और इस ऊर्जा के माध्यम से ही गांव का हम विकास करना चाहते हैं। जो गांव के लोग बाहर रहते हैं, यहां से पढ़ लिख के बाहर निकल गए, उनको हम लोगों ने नाम दिया है एनआरवी, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, वैसे गाँव का स्थापना दिवस हम लोगों ने जो मॉडल गाँव का कॉन्सेप्ट है उसमें 25 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट है स्थापना दिवस मनाना कि गांव के सभी लोग आएँ, गांव में जो हुनर है जो अच्छाई है उसको गांव का एक आदमी दूसरा जाने। मान लीजिए हमारे अंदर, मैं गांव का हूँ, इसी गांव का, मेरे अंदर कोई गाने की हुनर है, लोगों को पता नहीं है, और आपस की जो ताकत है वो इकट्ठा हो और उस ताकत से गांव का विकास हो। गांव में आए हुए हैं, क्या आपको लग रहा है आगे इसके मॉडल होने में क्या क्या लग रहा है कि क्या उम्मीदें हैं इसके बारे में? पहली चीज़ तो बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, जबकि मैं रहने वाला बगल के ही ज़िले का हूं, वाराणसी ज़िले का, लेकिन इस गांव में मैं पहली बार आया हूं। देखिए, ये बहुत से विचार इसके ऊपर आए हैं, बहुत सिद्धांत आए हैं और बहुत वो आए हैं कि समाज का विकास कैसे हो, विश्व का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो। अब सवाल ऐसा है कि अब तो लगभग वही है कि पानी कैसे गर्म हो। गर्म तब होगा कोई चीज़ जब आप उसको समझेंगे पानी बना कैसे है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब जैसे दूसरे जो देश हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा अलग होगा हिंदुस्तान से, और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से अलग होगा, श्रीलंका भी थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ की खास बात ये है जो और जगहों में शायद ना हो, वो ये है कि गाँव की संख्या
शहरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत निर्णय सही निकला है कि गांव का जब तक विकास नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, तब तक समाज का या देश का विकास नहीं होगा। और मेरे ख्याल से जो आज दिखा है और इसके पहले भी जितना मेरे को ज्ञान है उसके आधार पर, एक गांव में जो मॉडल गांव की कल्पना की गई है और इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक मॉडल गांव, वो बहुत ही बहुत इस मामले में सकारात्मक कदम है। और हमें उम्मीद है कि शायद समाज का विकास केवल मॉडल गांव होने से ही संभव है, मॉडल शहर बनने की कोई आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं है।